आज के इस वीडियो में बात करेंगे Realme 12 Pro Plus के बारे में। आज के इस वीडियो में हम इस फ़ोन के फ्रीज प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रीज से मेरा मतलब इस फ़ोन के ठंडे होने के बारे में नहीं, कभी कभी हमारा फ़ोन जो है हैंग होके स्क्रीन वहीं पे फ्रीज हो जाता है, उसके बाद ना फ़ोन आगे बढ़ता है ना पीछे बढ़ता है। इस समय आपको पता भी नहीं होता है हम अपने फ़ोन को कैसे स्विच ऑफ करें। स्विच ऑफ करने के बाद तो अब बहुत सारे फ़ोन्स वापस ऑन होने से तो ठीक हो जाता है फ्रीज प्रॉब्लम, लेकिन अभी इसका फ़ोन का तो बैटरी भी नहीं निकाल सकते हैं, तो फ़ोन को स्विच ऑफ भी कैसे करें पता नहीं होता है, तो हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, सर्विस सेंटर मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में चले जाते हैं। बेसिकली ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट एक हैंगिंग इशू है, लेकिन फ्रीज़ होने की वजह से हमारा फ़ोन कुछ भी काम नहीं करता है, जिस वजह से हम फिर से इंतज़ार करना पड़ता है फ़ोन के स्विच ऑफ होने तक का, या फिर हम सर्विस सेंटर या फिर कहीं भी चले जाते हैं रिपेयरिंग शॉप में, वहाँ पर जाके ठीक करा लेते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो जस्ट अपने फ़ोन में आपको पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है। लॉन्ग प्रेस करके रखने से ही कुछ ही देर में आपका फ़ोन वापस स्विच ऑफ होकर ऑन हो जाएगा और वापस आपका फ़ोन ठीक हो जाएगा। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही।